आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, वो मेरे तिब्बतन सब्सक्राइबर्स के लिए है। वो है लद्दाख की वीडियो। ये ऑलरेडी ये लद्दाख की पहली वीडियो है मैंने, क्योंकि लद्दाख का जो कल्चर है वो तिब्बतन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, लिटिल तिब्बत। तो आई होप ये जो लैंग्वेज है वो मेरे जो तिब्बतन सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी आती होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो आई थिंक दोनों के जो लैंग्वेजेस हैं लद्दाख और तिब्बत के वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो ये लैंग्वेज समझते हों, तो इसलिए मुझे ये किसी ने, मेरे एक तिब्बतन सब्सक्राइबर ने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से जो है, मतलब आप तिब्बतन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कोई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि उनके लिए रिकमेंडेशन मुझे बहुत कम आती है, और तो ये मुझे एक आई थी इसलिए मैं इस पर अप कर रहा हूँ। आई होप आपको जो है अच्छी लगे वीडियो, और अगर ये आपने सॉन्ग नहीं सुना होगा तो अब आप सुन लेना, और इसका ओरिजिनल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ओरिजिनल सॉन्ग भी ज़रूर सुनिएगा और उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो देर ना करते हुए। 1 2 3 ओके। ये तिब्बत और ही लद्दाख है, लद्दाख में इतना ग्रीनिज्म भी है, मुझे लगा था वहां से थोड़ा डेजर्ट टाइप है। तो सर कुछ ही सर तो सांक दुला दुला Skill
लगता तो छीन गया गाउन जैसे। सो ये था मेरा फर्स्ट लद्दाखी सॉन्ग। लद्दाख पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। मेरे को तो इस सॉन्ग से दो बातें मालूम पड़ी। पहली कि लद्दाख में भी सॉन्ग्स जो हैं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये था कि लद्दाखी जो है वो सॉन्ग्स नहीं बनाते हैं, बट ये फर्स्ट है। और मेरे को लगा था कि लद्दाख ज़्यादातर जो है एकदम शांत सा एरिया है ना, वो थोड़ा ज़्यादा वो रिलीजियस है, तो वहाँ इस तरह के सॉन्ग शायद बनते होंगे, पर ऐसे कमर्शियल वे में नहीं बनते होंगे। मेरे को पहले ऐसा लगता था, अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। ठीक है, लद्दाख में भी अच्छे अच्छे सॉन्ग बनते हैं ऐसे। और जिसने भी मुझे रिकमेंड किया है, आपका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर बहुत बहुत थैंक यू। और सही में, और एक और बात, दूसरी बात जो मुझे सबसे नहीं मालूम पड़ी है कि मुझे मालूम पड़ा कि लद्दाख में भी ग्रीनरी है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ और देखा है, तो उसमें लद्दाख का वो जो डेजर्ट वाला पार्ट है ना, वो जो पहाड़ी वाला पार्ट जो हाँ दूर दूर तक थोड़ा डेजर्ट टाइप का होता है, वही वाला ऐसा ही देखा मैंने आज तक। तो मुझे लगा था कि लद्दाख वाले एरिया में सिर्फ सारा रीजन जो है वैसा ही है, पर इस सॉन्ग में देखा है कि भाई वहाँ पर भी बड़े सारे ग्रीन एरियाज हैं। यार मैं तो अब तक जो है लद्दाख भी नहीं गया। कॉलेज टाइम से ही पिछले 4 साल से प्लान बन रहा है लद्दाख जाने का, अब तक कंप्लीट ही नहीं हुआ वो, पता नहीं कभी होगा जाना। चलिए, जो भी था, सॉन्ग बहुत अच्छा था, और आई होप मेरे जो तिब्बतन सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सॉन्ग जो है पसंद आया होगा, क्योंकि शायद वो सॉन्ग समझ भी पाए होंगे, मतलब जो लैंग्वेज है। और मुझे और सॉन्ग ऐसे रिकमेंड करते रहिए। और हाँ, अगला जो सॉन्ग है जिसमें मैं रिएक्शन दूंगा, वो एक्चुअली सॉन्ग नहीं है, वो एक वीडियो है ओडिशा की। ओडिशा का एक ट्राइबल वीडियो है वो, आप सब वो मतलब शायद आपको जो है उतना पसंद आए ना, क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है या फिर तिब्बतन है, कुछ और भी है, पर मैं चाहूँगा कि आप उसे एक बार देख लें, क्योंकि है ना अलग अलग जो है रीजन की वीडियो देखने से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अगली वीडियो मेरी जो है उड़ीसा पे ही है, आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको जो है बेहद पसंद आएगी अगर आप ध्यान से उसको देखोगे, क्योंकि मेरे को
एक मेरे ही फ्रेंड ने रिकमेंड करी है और वो बहुत तारीफ कर रहा था इसकी। तो देखते हैं कैसी है वीडियो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।